नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस के अंदर बहुत सारी खलबली मच रही है और उन्हीं खलबली के बीच में एक नाम तेजी से उभर करके सामने आ रहा है, वो है कन्हैया कुमार का नाम। कन्हैया कुमार के जब से कांग्रेस के अंदर दखल हुई है तब से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो सामने खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जब से राजनीति में आए हैं तब से बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं, बीजेपी को लेकर के तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं और एक के बाद एक कई कड़े बयान भी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कन्हैया कुमार बीजेपी के ऊपर अलग अंदाज में हावी दिखाई दे रहे हैं और इस हावी को देख करके ही एक बार फिर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अध्यक्ष पद की कमान जो है वो कन्हैया कुमार को सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की बड़ी पसंद कन्हैया कुमार है, क्या इस नाते कन्हैया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? इसकी चर्चा खूब है कि कन्हैया कुमार को ये पद राहुल गांधी दे सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हाल के दिनों में बिहार कांग्रेस के खास नेताओं के साथ बातचीत की है। प्रशांत किशोर के साथ भी मीटिंग हुई है। बिहार को सामाजिक समीकरणों के साथ जनता के सवाल पर संघर्ष करने वाला नेता चाहिए। सड़क खाली है, महंगाई के सवाल का जवाब चीन से दिया जा रहा है। बिहार की राजनीति में किसी नेता पर बात करें और उसकी जाति पर बात नहीं करें तो ये गलत होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की जाति भूमिहार है, वही भूमिहार जाति जिसको लेकर कहा जाता है कि बोचाहा की जीत में इस जाति के वोटर्स की बड़ी भूमिका है। यहाँ पर कन्हैया की जाति भूमिहार है और ये जाति अब भाजपा को छोड़कर RJD की ओर जाती दिख रही है। कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार के सहारे वो सवर्ण वोट बैंक पर अपना कब्जा करे, बाकी सवर्णों के वोट बैंक को भी भाजपा से छीने। इसके अलावा कन्हैया कुमार का बैकग्राउंड CPI का रहा है, वे JNU के आंदोलन की उपज है। वे बेगूसराय में भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, इसीलिए कांग्रेस की नज़र में कन्हैया के बहाने RJD से जुड़े मुसलमान वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने की है। बिहार में मुसलमानों का वोट बैंक 16% है। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी यादव या लालू यादव के पैरलर एक वोकल धर्मनिरपेक्ष छवि वाला नेता को सामने लाने की RJD धर्मनिरपेक्ष छवि के पैरलर राजनीति करना चाहती है। इस लिहाज से कन्हैया कुमार फिट नेता है। कन्हैया कुमार तार्किक भाषण देते हैं, बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड वाले नेता हैं कन्हैया। वे भाजपा के खिलाफ लाठी खाकर नेता बने हैं, जेल गए हैं, यातना सहा है, उन्हें अपने माता पिता से विरासत में राजनीति नहीं मिली है। इसके अलावा कन्हैया कुमार की ताकत उनका भूमिहार होना हो सकता है तो वो जाति उनकी कमजोरी भी हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के संगठनों में शीर्ष के 7 पदों में से 5 सवर्णों के जिम्मे हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि कन्हैया कुमार को क्या ये जिम्मेदारी कांग्रेस देती है या नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि बिहार में एक ऐसे नेता की सबसे बड़ी भूमिका बनाना जो बिहार तो कम से कम भाप सके, और कन्हैया कुमार इसमें माहिर भी है, तो जाहिर सी बात है कि ये चर्चा होना तो लाजमी था। और इन दिनों कन्हैया कुमार एक बार फिर सक्रिय ये हो गए हैं और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखना यही है कि बीजेपी से टक्कर लेना है और बिहार में अपनी भूमिका बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का नाम इस हिसाब से सामने आना लाजमी है। बहरहाल, आप लोग को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।